हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हमारे सामने खड़ी है रेनॉ की काइगर, और वेरिएंट की बात करें तो ये आपका RXT ऑप्शनल वाला वेरिएंट है, जिसकी प्राइस पड़ती है आपको 7.99 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड जाती है 8.99 लाख। इस वेरिएंट को आप ना सेकंड बेस वेरिएंट भी बोल सकते हैं। फिलहाल ये जो मैनुअल वाला वेरिएंट खड़ा है, इसी में अगर आप 50-55 हज़ार रुपये और लगाएंगे तो आपको इसमें ऑटोमेटिक AMT वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों फिलहाल ये जो कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर खड़ा है, और ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लुक और फ्रंट प्रोफाइल के साथ ये कार आपको ऑफर करी जाती है। और 8 लाख की रेंज में अगर आपको एक बढ़िया सी कार चाहिए ना, जो आपको 4 स्टार सेफ्टी भी दे, तो आप बिल्कुल इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वेरिएंट का कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे 9 लाख रुपये लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। और शुरुआत करते हैं इसके की फॉब से। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे स्मार्ट कार्ड टाइप कीज़ देखने को मिलते हैं, जिसमें लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पीछे आपको रेनॉ का लोगो ऑफर किया जाता है। फ्रंट प्रोफाइल 1750 mm की कुल चौड़ाई यहाँ पे ऑफर करी जाती है। और रेनॉ का ना सबसे बढ़िया बात है, आपको रेनॉ का बड़ा सा लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, और क्रोम का जो एसेंट आपको ग्रिल में यूज़ किया गया है ना, उसकी वजह से ना इसके लुक्स काफ़ी आपको ना एग्रेसिव से फील होंगे। बॉडी कलर में आपको ब्रम्पर्स देखने को मिलते हैं, और सबसे बढ़िया पोर्शन जो मेरे को लगता है ना, वो इसका लाइट वाला पोर्शन लगता है। यहाँ पे आपको प्योर विजन के LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और ये किनारे किनारे पूरे जो मैट ब्लैक फिनिश में विंग्स दिए हैं ना, ये इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर देते हैं। हालांकि देखो, फ्रंट में आपको कोई भी पार्किंग सेंसर और पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लुक्स देख रहे हो कितने ही बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं। ये रहे आपके DRLs और ये रहे आपके इंडिकेटर्स। DRLs और इंडिकेटर्स यहाँ पे सेपरेट कर दिए गए हैं, अगर एक कर देते ना थोड़ा सा और लुक्स अच्छे हो जाते हैं। नीचे नंबर प्लेट की आपको पोजिशनिंग देखने को मिलेगी। वहीं थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये जो लिप है ना, ये जो लिप है आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर करी जाती है। थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो ये रही आपकी अंडर बॉडी, और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया 205 mm का इस वेरिएंट में या इस कार में कहें तो ऑफर किया जाता है। देखो बाकी बोनेट वगैरह पे देख लो, कुछ इस तरह की आपको ना यहाँ पे लाइंस देखने को मिलती हैं, जो उसके बोनेट को अगर आप बाहर से देखोगे, सामने से देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ना एग्रेसिव सा फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाला है। इधर भी साइड में देखोगे तो ये जो क्रीचेस कटे हुए हैं, इसका जो साइड से यहाँ तक आया हुआ है ऐसे, तो इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर देता है। एक ही चीज़ थोड़ी सी खटकती है, जो यहाँ पे वॉशर फ्लूड की पोजीशन दे रखी है, यहाँ कहीं दे देते तो काफ़ी बढ़िया होता। नॉर्मल वाले आपको यहाँ पे वाइपर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, सनरूफ वगैरह आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। रूफ रेल्स सिल्वर कलर में है, लेकिन फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ही आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। दोस्तों ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। चलिए बात कर लेते हैं कार के साइड प्रोफाइल की। 3991 mm की कुल लंबाई और 2500 mm का व्हील बेस यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। ब्लैक कलर में आप ये कार को देख रहे हैं, और कितना ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखो कहीं पे भी ना क्रोम का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। बॉडी कलर में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। एक खासियत मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ना आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैं अपना हाथ यहाँ पे लगाऊंगा ना, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि जो की फॉब है वो मेरे हाथ में है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर जाऊँगा, आप देखिएगा, ये देखिए गाड़ी अपने आप लॉक भी हो जाएगी, तो आपको किसी चीज़ की ऐसे यहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी नहीं। बाकी नीचे भी आप साइड लाइटिंग में देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी कोई क्रोम का पार्ट एसेस देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको ना मैट ब्लैक फिनिश में कोई भी साइड लाइटिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे सारा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाला पार्ट देखने को मिलता है। विंडो लाइन पे भी आपको कोई भी क्रोम का यूज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैट ब्लैक फिनिश में आपके ये सारे पिलर्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ORVMs, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। एक बार देख लिया जाए कि ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है, लेकिन ये लॉक करने के साथ ऑटो फोल्डेबल नहीं है। बाकी पीछे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। मैट ब्लैक फिनिश में व्हील आर्चेज हैं। C8 के टायर, सिक्योरो टाइप के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफाइल है 195/60R16। 16 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं। डुअल टोन में डायमंड कैटलाइज आपको देखने को मिलते हैं। रियर में आप देखो तो रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में आपको देखिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों साइड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एलिमेंट देखने को मिलेगा। हायर वेरियंट्स में ना यहाँ पे उनका वेरियंट लिखा हुआ, जैसे RXZ टॉप वेरियंट में यहाँ पे क्रोम से लिखा हुआ है RXZ, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। फिलहाल इस वाले वेरियंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा।
वहीं अगर देखिए आप देखेंगे ना तो इस कार में राइट साइड में आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, पेट्रोल वाला वेरिएंट है। मेरे ख्याल से सारी कारें इनकी ना पेट्रोल में ही आते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 40 लीटर्स की देखने को मिल जाएगी। E20 फ्यूल सपोर्ट करता है, मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कंप्लीट साइड प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कैसी लगी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की। तो रियर से भी ये कार बहुत ही गजब लगती है, मतलब लुक्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस सेगमेंट में कोई और कार आपको देखने को मिलेगी। बाकी चीज़ें अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दें तो लुक्स इस कार के ना बहुत बेहतरीन है दोस्तों। वाइपर आपको देखने को मिलता है, डिफॉगर लाइंस नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको ऑफर किया जाता है। ये रही आपके वाशर फ्लूड की पोजीशन, देख लीजिए काफ़ी बढ़िया से छुपा के दी गई है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको कुछ इस तरह के स्पॉयलर्स देखने को मिलते हैं, और आप ध्यान देंगे तो स्पॉयलर्स इसके काफ़ी यूनिक लगते हैं, क्योंकि एक विंग ये दे रखा है, दूसरा विंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कार बना हुआ है और जानवर यहाँ बने हुए हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। रनो का लोगो आपको पीछे मिलेगा, टाइगर की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, रिवर्स पार्किंग आपको यहाँ कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देख लीजिए आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिलेगी। टेल लाइट की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे LED में टेल लाइट्स ऑफर करी जाती हैं। बाकी इंडिकेटर और ये ब्रेकिंग लाइट वगैरह आपके सारे ना हेलोजन में ऑफर किए जाते हैं। वहीं नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं, 1, 2 और 3 रिवर्स पार्किंग आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिलते हैं। दोस्तों नीचे जाएंगे तो स्किड प्लेट देख लीजिए, कुछ इस तरह से सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, 2 आपको यहाँ पे हेलोजन में लाइट दी है, आप देखिए नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन के लिए। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको अंडर बॉडी देखने को मिलती है, साइलेंसर वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑफर किया जाता है गाइस। चलिए अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरी तरफ भी देखो, कहीं पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी ना आप गाड़ी जैसे ही पास जाएंगे अनलॉक हो जाती है गाइस। मतलब ये चीज़ बढ़िया है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको अंदर ही दिया हुआ, बस आप पास जाइए और गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो कैसी लगी एक्सटीरियर से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के ना बूट स्पेस की। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से 405 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा बस आपको ना ये गड्ढा ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से सामान रखने और निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। एक ग्रॉसरी हुक इधर मिलता है, इधर एक ग्रॉसरी हुक देखने को मिलता है, इमरजेंसी आपके ये ट्रायंगल्स और ये ना आपके व्हील कैप्स, ठीक है। ये देख लीजिए व्हील कैप्स का जो आगे का बीच वाला पोर्शन रहता है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ लगाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको लगा के अपना यूज़ कर सकते हैं। और ये रहे आपके सारे टूल्स वगैरह, कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे केबिन लाइट वगैरह ऑफर नहीं करी जाती है, ये थोड़ा सा अटपटा है, केबिन लाइट दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी स्पेयर टायर की बात करें तो प्रॉपरली मेंशन किया गया है स्टेपनी, और साइज़ है आपका 165/80R14 14 इंचेस के आपको यहाँ पे स्टेपनी व्हील्स स्टील रिम्स में देखने को मिलेंगे, और स्टेपनी है, इनको ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते आप। रियर की सीट 60-40 स्प्लिट में है। ये रही आपकी पार्सल ट्रे, और कुछ इस तरह से देखेंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ से डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है गाइज। चलिए और यहाँ पे ना कोई भी आपको कुछ इस तरह से हैंडल वैंडल नहीं दिया, जिसकी मदद से आप इसको पकड़ के बंद कर सकें, लेकिन ये जो पोर्शन है काफ़ी बढ़िया से ढक के दिया हुआ है। बंद करना है तो यहीं से पकड़ के ऐसे बंद करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके कंप्लीट एक्सटीरियर्स। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स की। तो देखिए सेम आपका फंक्शन है, मैं यहाँ गया, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो गई, क्या ही चाहिए यार। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैकआउट डोर पैनल मिलेगा, प्लस थोड़े से यहाँ पे आपको ना ये वाला ब्राउनिश शेड देखने को मिलता है। हार्ड है, ये भी हार्ड है, सब कुछ हार्ड है। वहीं नॉर्मल वाले यहाँ पे आपको लॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं से भी बेकार नहीं लग रहे हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड आपका वन टच देखने को मिलेगा, वन टच अप एंड डाउन है, बाकी सारे आपके करने पड़ेंगे। ORVM से कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। ये पीछे की विंडो लॉक करने के लिए, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, टोटल आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट एज सच यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ड्राइवर सीट की बात करी जाए तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी, कंप्लीट ब्लैक और इस तरह के टेक्सचर में आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलती है, और काफ़ी बढ़िया लगती है। देख लीजिए सीट में आपको कोई भी एज सच डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने वाला है, ये सारी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में है, लेकिन काफ़ी बढ़िया लुक्स में काफ़ी बढ़िया लग रही है। फ्रंट के दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये रही आपके फ्यूल लिड की ओपनर, एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच, डेड पेडल आपको देखो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये रहे सारे आपका हेडलाइट लेवलर नीचे दिया हुआ है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं। इग्निशन स्विच की पोजीशन आपको यहाँ ना देखे यहाँ देखने को मिल जाती है, और बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। एक बार अंदर बैठ लेते हैं और देखते हैं कि हमको और क्या क्या फीचर्स अंदर ऑफर किए जाते हैं।
जब आप अंदर बैठेंगे तो देख लीजिए कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और 8.9 सेंटीमीटर की आपको छोटी सी स्क्रीन डिजिटल वाली फॉर्म में मिलती है। इधर लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर ऑफर किया जाता है, राइट साइड में आपको इंजन हीट बताएगा और फ्यूल कंजम्पशन मतलब कितना बचा हुआ वो बताएगा। वार्निंग्स वगैरह सारी आपको यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरह से ऑफर करी जाती हैं। बीच में छोटा सा 9 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है जिसमें आपको ट्रिप में कितना चला है, एवरेज स्पीड वगैरह क्या चल रही है, फ्यूल इकोनॉमी क्या चल रही है, सब कुछ आपको बीच में बताने वाला है। देखने में एनालॉग लगता है लेकिन ये आपका फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये काउल देखने को मिलेगा जो इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर देता है। इधर आप क्रोम का एसेंट देख सकते हैं, ये भी बढ़िया लगता है। और स्टेयरिंग कॉलम की बात करी जाए तो राउंड बॉटम स्टेयरिंग आपको ऑफर किया जाता है। देखो थोड़ा थोड़ा फ्लैट लगता है ना, लेकिन फ्लैट नहीं है, राउंड बॉटम स्टेयरिंग है। रनो का लोगो है। एयरबैग की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है। इस वेरियंट में आपको टोटल 4 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। इधर लेफ्ट साइड में सारे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, इसमें शोर चेंज करना हो, वॉल्यूम प्लस माइनस, मोड चेंज करना हो, वॉइस फंक्शन यूज़ करने के लिए, साथ ही साथ फ़ोन को आपका रिसीव करने के लिए और ये फ़ोन कट करने के लिए और म्यूट करने के लिए ऐसे फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। एक बार मैं हॉर्न बजा के भी दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखो हॉर्न बजता हुआ देखने को मिलता है। इधर आपको कोई भी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ऑफर नहीं करी जाती है। हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलते हैं। वाइपर्स आपको यहाँ पे भी ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेयरिंग कॉलम की बात करी जाए तो टिल्ट सपोर्ट के साथ केवल आपको ये स्टेयरिंग कॉलम ऑफर किया जाता है दोस्तों। बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पे 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफर करी जाती है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे सपोर्ट करती है। बहुत बेसिक सी स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं किया गया है, लेकिन काम की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा इसमें ना जैसे टाटा वगैरह दे रहे कर दिया जाए ना तो एकदम से मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। चलिए लगे हाथ ना, मैं इसका ना रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी आपको दिखाई देता हूँ। तो कुछ इस तरह से रिवर्स कैमरा आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये एडेप्टिव नहीं है, मतलब स्टेयरिंग के साथ ये लाइंस मूव नहीं हो रही हैं। एक रेंज मार्कर आपको लास्ट वाला दे रखा है, बाकी आपको ये समझने के लिए देखने को मिलता है। सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे 3-3 ऑफर किए जाते हैं, कोई भी आपको ऐसा तकलीफ नहीं होने वाली है दोस्तों। बाकी नीचे एसी के वेंट्स हैं, यहाँ पर आपको हैजार्ड की लाइट, लॉक अनलॉक का बटन देखो यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से ऑफर किया जाता है। बाकी ये आपका ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए मैनुअल एसी देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। इधर ये देख लीजिए आपको स्पेस दिया है, शायद यहाँ पे अगर वायरलेस चार्जिंग होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे डाउट है वहाँ वायरलेस चार्जिंग नहीं होगा यहाँ पे। बाकी आपका इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए तो एक यूएसबी पोर्ट दिया है, थोड़ा सा स्पेस दिया है, उसी स्पेस में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है। 5 स्पीड आपको यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है और ये रहे आपके मैनुअल हैंड ब्रेक्स, ये देख लो। स्लाइडिंग स्पेस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखो जैसे नेक्सॉन वगैरह मैंने यहाँ पे चार्जर लगा दिया ना, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे वायरलेस चार्जर हायर वेरिएंट्स में यहाँ दिया है और यहाँ पे आपका स्पेस और काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाता है। सॉफ्ट में आपका ये आर्मरेस्ट है, स्लाइडिंग नहीं है, स्पेस तो आप देख ही रहे हो कितना बन जाता है यहाँ पे। बाकी डैशबोर्ड देख लीजिए, कंप्लीट हार्ड डैशबोर्ड आपको ऑफर किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको कॉपर कलर में एसेंट देखने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी ये देख लीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से ये आपका ओपन हो जाता है, ऊपर भी स्पेस है और ग्लव बॉक्स का स्पेस नीचे भी आपको देखने को मिलता है और ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है। कार के साइज़ के हिसाब से ना ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। सब कुछ हार्ड है, कुछ भी आपको ना सॉफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। माइक्रोफोन की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। लाइट एक बार चेक कर लिया जाए, लाइट मिलती है कि नहीं, तो जी नहीं, आपको यहाँ पे लाइट देखने को नहीं मिलेगी। मैनुअल आपके IRBMs हैं। केबिन लाइट देख लीजिए, आपको यहाँ पे हैलोजन में ऑफर करी जाती है। सेकंड रो के भी एक केबिन लाइट आपको दी है, वो भी हैलोजन में ऑफर करी जाती है। इधर रहे आपके ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलते हैं। ड्राइवर साइड में कोई भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है गाइस। तो ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड और ये रहा आपका कंप्लीट कंसोल। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ की बात भी कर ली जाए। सेम यहाँ पे भी आपको देख लीजिए बॉडी कलर में डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं और पीछे देखेंगे तो सब कुछ आपको सेम ऑफर किया जाता है, बस चाइल्ड लॉक का फीचर एक पीछे के डोर के लिए बढ़ जाता है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ये पार्ट यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। लॉक अनलॉक सेम आपको सिंपल। बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर की आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा गाइज। बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिलता है, कंप्लीट ब्लैकआउट इंटीरियर यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है दोस्तों। सीट्स की बात कर ली जाए तो 60-40 स्प्लिट में सीट्स हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको देखने को मिलता है। एक बार आर्म रेस्ट की बात कर ली जाए तो आर्म रेस्ट में आपको कप होल्डर भी मिलता है। एक बार दिखाई देता हूँ भाई, ये देख लो कप होल्डर मिलता है। और सबसे बढ़िया बात मेरे को क्या लगी, कप होल्डर बहुत रॉक सॉलिड है। कप भी आ जाएगा, फ़ोन ऑन रखना हो तो वो भी आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। मतलब
अच्छा लगा, जिस प्राइस रेंज में आ रही है ना, ये जो कंफर्ट इसमें मिल रहा है ना, ये वाला सबसे बढ़िया है। बाकी ग्रैब हैंडल्स, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, दोनों साइड में कहीं पे भी आपको कोट टू हैंगर नहीं मिलेगा। ये रही आपकी पार्सल ट्रे, एक बार ना अंदर बैठ जाते हैं। जब आप अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटिंग कम्फर्ट की। तो आप देख सकते हैं नी रूम में आप मेरे को कोई यहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही है। थाई सपोर्ट, दो उंगल का थाई सपोर्ट यहाँ पे, मतलब इस तरह से थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, लेकिन इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है कि आप ट्रैवल ना कर सकें। बाकी लेग रूम में भी आपको यहाँ पे ऐसा कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। फ्रंट की दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। सेकंड रो से देखेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है गाइस। रियर ईसी के वेंट्स, उसका ये एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको रियर में भी दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और हम्प ना के बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस। तो ये तो हो गया था कंप्लीट रियर का। सीट्स वगैरह और ये सब बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और एक बार कलर देख ही लो आप इसका ठीक से अच्छे से, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है और बहुत कंफर्टेबल है। चलते हैं एक बार बस इंजन में दिखा देता हूँ। इस कार में आपको दोस्तों 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो 71 BHP की पावर और 96 Nm का ना आपको यहाँ पर टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज की बात करें तो 20.5 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। 17-18 के आसपास तो बड़े आराम से, ये सिटी का माइलेज बता रहा हूँ मैं, बड़े आराम से दे देगी दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉशर फ्लूइड का पाइप आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। लेआउट वगैरह काफ़ी बढ़िया से है। बाकी ये देख रहे हो ये जो पोर्शन ऐड ऑन किया गया है ना, इसकी वजह से इसकी ना जो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ओपन स्पेस जैसा हर कार में ऑफर किया जाता है, यहाँ पर भी आपको ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा। कंपनी चाहे तो इसको ढक भी सकती है गाइज। और ये रही आपके वॉशर फ्लूइड का टैंक, यहाँ पर आपको प्लेस किया गया है। नॉर्मली कार्स में आपने इधर देखा होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया गया है। बाकी डैम्पिंग वगैरह देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती है गाइस। तो दोस्तों ये थी आपकी रेनो काइगर RXT ऑप्शनल ब्लैक कलर में, 9 लाख ऑन रोड पड़ता है। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कार के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।